तो दोस्तों, पिछले एक दो महीने में स्टॉक मार्केट ने अच्छा खासा रनअप दिखाया। पहले लार्ज कैप कंपनीज चली, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप। अब दोस्तों, इस वीक, ये वीक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस से दो बड़ी खबरें यहां पर आने वाली है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उछाल या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब पिछले एक महीने से लगभग निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे तो एक ही सेम रेंज में ही अभी यहां पर चल रहा है। तो सबसे पहले तो कल यूएस में सीपीआई के नंबर आएंगे, तो कल इन्फ्लेशन के नंबर यूएस में आएंगे और उससे एक आइडिया मिलेगा कि अब इन्फ्लेशन यूएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहां पर जा रही है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई तो थोड़ा सा मार्केट के लिए फिर से एक नेगेटिव चीज कह सकते हैं हम। और दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जाने का जो मार्केट का ट्रिगर है वो नहीं आएगा। वहीं अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको इंडिया की जो मार्केट है और यूएस की जो मार्केट है उसमें देखने को मिल सकता है। अब कल जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, उससे परसों वेडनेसडे को एक और यूएस में फैसला होने वाला है, उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो इस फैसले का लगभग हर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट यहां पर वेट कर रहे हैं। परसों यूएस के फेड की मीटिंग होने वाली है, FOMC मीटिंग जिसको बोला जाता है। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट और यूएस में इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो हो सकता है कि कल की जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, जो कल का यूएस में इन्फ्लेशन का हाइक होगा, उससे डिपेंड करेगा कि परसों जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। अगर कल इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं आते हैं तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो और नहीं बढ़ाया जाएगा। मोस्टली यही माना जा रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन खराब हो जाती है और ज़्यादा महंगाई यहाँ पर यूएस में बढ़ने लगती है, तो नंबर यूएस में इंटरेस्ट रेट के भी बढ़ सकते हैं। और अगर यूएस में देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेगा, अब इंटरेस्ट रेट कम होने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी यूएस में, और 2023 का एंड आते आते यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होने भी शुरू हो सकते हैं, ये एस्टिमेशन माना जा रहा है। क्योंकि स्पेशली जब से जर्मनी में रिसेशन आया है, उसके बाद से थोड़ा सा अब यूएस की तरफ नजर है कि क्या यूएस में भी रिसेशन आ सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ते रहे तो यूएस में डेफिनेटली रिसेशन आने का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए भी ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर कल यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और उससे स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। वहीं अगर कल यूएस में इन्फ्लेशन गिर जाती है और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, और साथ में यह भी बोला जाता है यूएस फेड की तरफ से कि आने वाले टाइम में रिसेंट में अभी इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे, तो मार्केट के लिए ऊपर जाने का एक बहुत अच्छा ट्रिगर होगा। तो कैसे भी नंबर आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल और परसों अपने चैनल पर, और उसका क्या इंपैक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।